पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में पुलिस पिटाई से आहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चौबे ने बताया कि उनके साथ युवा मोर्चा की पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दिया है, जिसमें कुल 241 कार्यकर्ता शामिल हैं। इस्तीफे की घोषणा करने से पहले अभिषेक चौबे ने साथी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचकर धरना दिया। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन मुरादाबाद के नारे लगाए। शनिवार को देर शाम धरने पर बैठे भाजयुमो नेता को उम्मीद थी कि पार्टी का कोई बड़ा नेता उन्हें मनाने पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पार्टी का कोई नेता या जनप्रतिनिधि धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं की बात सुनने नहीं पहुंचा, तो उन्होंने इस्तीफे के ऐलान के साथ खुद ही धरना खत्म कर दिया। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया, कल रात मजोला थाने की पुलिस द्वारा गुंडों के साथ मिलकर मुझ पर और मेरे महामंत्री और उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी तहरीर कल रात हमने मजोला थाने में दी थी। हमारा मेडिकल हुआ, आज मेरे महामंत्री अभिषेक राठौर हैं, उनकी रिपोर्ट आई है, उनके हाथ में दो फ्रैक्चर हैं जिनका अभी प्लास्टर बंधा हुआ है। मेरी एक्सरे की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, डॉक्टर ने बताया था कि संभव है कि नाक में फ्रैक्चर है, लेकिन आज जब कार्रवाई होती है, कार्रवाई के नाम पे क्या होता है कि जो दोषी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने हमें मारा, उनका कहीं नाम नहीं है और एक सिर्फ आरोपी के नाम पर निखिल यादव का नाम नामजद किया गया, जिस गुंडे को कल पकड़ा गया था, जिसने हमें मारा था, जिसे पुलिस पकड़ के थाने लाई थी, उस गुंडे का नाम तक तहरीर में नहीं है और जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है, वह धाराएं ऐसी हैं कि वह अपराधी कल से खुलेआम सड़कों पर घूमेंगे। हम कार्यकर्ता जो आज मेहनत करके संगठन को यहां तक लाने का, संगठन को सींचने का काम करते हैं, अगर संगठन के नेता हमारा सम्मान नहीं रख सकते, हमारा मान नहीं रख सकते और जो जायज कार्रवाई थी वो तक नहीं करा सकते, तो ऐसे संगठन में कोई काम करने का फायदा नहीं है। मैं अपने सभी साथियों के साथ, जो भी साथी को लगता है कि हाँ कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, आज मैं उन सभी साथियों के साथ अपने सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे जो मेरा बूथ है उस पर मैं बहिष्कार करूंगा, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करूंगा, ना कहीं वोट मांगने जाऊंगा। हम हिंदुत्व की विचारधारा के लोग हैं, हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लोग हैं, हमारा मात्र संगठन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ है, उसकी विचारधारा पे हम काम करते रहेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुरादाबाद नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग हैं जो इस्तीफा देंगे? पूरी महानगर की कार्यकारिणी इस्तीफा देगी। 241 लोग जी बीजेपी से इस्तीफा दे रहा है? जी इस्तीफा दे रहे हैं आज हम। इसलिए दे रहे हैं कि हम आप बीजेपी से इस्तीफा, क्योंकि आपके पार्टी के लोग आपका सपोर्ट कर पा रहे? जो उचित कार्रवाई है सपोर्ट करने के लिए, कहने के लिए सब है, लेकिन अगर सत्ता में रहते हुए सही को सही नहीं ठहराया जा सकता और सत्ता में रहने के बाद आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए सही कार्रवाई नहीं करा सकते, तो फिर ऐसे किसी भी पद पे बना रहना एक दिखावा करने से बेहतर है कि हम लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, हम युवा हैं, हम समाज के लिए जो काम करना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होकर काम करेंगे और हम किसी पार्टी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।